कि भगवान ने कैसे क्या दिमाग खराब कर दिया उसका। टीचर तो अच्छे से जब कभी सोच खराब सुना अपने रास्ते आता था अपने रास्ते जाता था। कोटा में 13 फरवरी को हुई नाबालिग छात्र की हत्या के मामले में आरोपी टीचर गौरव जैन को पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने शुरुआती तौर पर उससे पूछताछ की तो सामने आया कि आरोपी नाबालिग छात्रा से एक तरफा प्यार करता था। हत्या वाले दिन छात्रा ने इनकार किया तो आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी को गुरुग्राम से कोटा लेकर आया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में शामिल रहे सूत्रों के अनुसार आरोपी टीचर पिछले 3 सालों से छात्रा को पढ़ा रहा था। इस दौरान वह छात्रा को पसंद करने लगा और छात्रा से उसका अटैचमेंट हो गया। आरोपी के पड़ोसियों का कहना है कि वो बिल्कुल ठीक लड़का था, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि वो ऐसा कांड कर सकता है। तो पता चला लड़का बहुत सीधा था और शिक्षित भी था, बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन अब पता नहीं भगवान ने कैसे क्या दिमाग खराब कर दिया उसका। वहीं आरोपी टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाने वाले एक छात्र का कहना है कि टीचर अच्छे थे, हंसी मजाक किया करते थे। मैं तो सर बचपन से पढ़ता हूँ, टीचर तो अच्छे थे। कभी लगा जैसे बातचीत से ऐसा कि कोई दिमाग में खराबा चल रही है इसके, या कभी आपको परेशान किया हो, डांटा हो? नहीं नहीं सर, मजाक करते थे तो सर। वही पड़ोस में रहने वाली एक महिला का कहना है कि आरोपी कभी ऊंची आवाज में किसी से बात भी नहीं करता था, ना जाने उसने ऐसा कांड क्यों कर दिया। कुछ ऐसा नहीं था, लग भी नहीं रहा था कि ऐसा कांड कर सकता है, बढ़िया था, कभी ऊंची आवाज भी नहीं सुनी, ना कभी शोर शराबा सुना, अपने रास्ते आता था अपने रास्ते जाता था। एक साइको टीचर के एक तरफा प्यार ने नाबालिग छात्रा की जान ले ली, साथ ही उस परिवार की खुशियां भी छीन ली। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोटा लाया जा रहा है, उसके बाद ही अधिकारी ऑफिशियल तौर पर कुछ कहने की बात कह रहे हैं। अधिकारियों के बयान के बाद ही हत्या से जुड़े और बातें भी सामने आएगी। नितिन शर्मा, दैनिक भास्कर, कोटा।